दिल्ली से सटे गाजियाबाद में मुरादनगर नहर पुल के पास स्थित एक फैक्ट्री में देर रात भीषण आग लग गई। शुरुआती दौर में वहां मौजूद लोगों ने काबू पाने का प्रयास किया, लेकिन देखते ही देखते आग ने पूरी फैक्ट्री को अपने चपेट में ले लिया। आनन फानन में इसकी सूचना मोदीनगर दमकल विभाग की टीम को दी गई। सूचना के आधार पर दमकल विभाग की करीब 12 गाड़ी मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने का प्रयास किया। ये आग देर रात करीब 12 बजे लगी, लेकिन अभी तक भी आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। जानकारी के मुताबिक मुरादनगर गंग नहर के पास एक बड़ी फैक्ट्री है। इसके आधे हिस्से में काजू का तेल निकालने वाली और आधे हिस्से में गत्ते के डिब्बे बनाने वाली फैक्ट्री है। देर रात करीब 12 बजे काजू का तेल निकालने वाली फैक्ट्री में आग लग गई। वहां मौजूदा लोगों ने शुरुआती दौर में आग पर काबू पाने का प्रयास किया, लेकिन फैक्ट्री में केमिकल के ड्रम होने के कारण आग ने पूरी फैक्ट्री को अपनी चपेट में ले लिया, जिसकी सूचना मोदीनगर की दमकल विभाग की टीम को दी गई और फैक्ट्री में मौजूद लोग बाहर निकल आए। जब तक दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची, तब तक आग ने फैक्ट्री को अपने चपेट में ले लिया। दमकल की टीम करीब एक दर्जन से भी ज्यादा गाड़ी मौके पर पहुंची और आग बुझाने का प्रयास किया। इस मामले की जानकारी देते हुए एक फायर ऑफिसर राहुल पाल ने बताया कि मंगलवार को मध्य रात्रि में समय 12:30 बजे मोदीनगर फायर स्टेशन कंट्रोल रूम पर चर्ली टीम द्वारा दिल्ली मेरठ रोड पर मुरादनगर गंग नहर पुल के पास स्थित एक फैक्ट्री में आग लगने की सूचना प्राप्त हुई। सूचना मिलते ही मोदीनगर फायर स्टेशन से घटनास्थल के लिए टीम रवाना हुई। आग बुझाने के साथ मुख्य अग्निशमन अधिकारी पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद को घटना से अवगत भी कराया गया, जिस पर आग की भयावता को देखते हुए 3 फायर टेंडर कोतवाली, 2-2 फायर टेंडर क्रमशः साहिबाबाद वैशाली, 1-1 फायर टेंडर क्रमशः लोनी प्रतापपुर और गौतम बुद्ध नगर फायर स्टेशनों से घटना स्थल के लिए रवाना हुए। बड़ी मात्रा में स्टोर किए गए खाद्य तेल और अन्य केमिकल्स के ड्रमों में विस्फोटक होने लगे, जिससे इन इकाइयों की 3 शेड से निर्मित छत और बाउंड्री वॉल भी गिरनी शुरू हो गई, जिससे आग बराबर के प्लॉट नंबर 87B पर लगभग 2000 वर्ग मीटर के भूखंड पर बने सिंडिकेट पैकेजिंग प्राइवेट लिमिटेड गत्ते की फैक्ट्री में भी आग लग गई। काफी मशक्कत के बाद भी आग पर अभी तक काबू नहीं पाया गया है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।